क्या बोल रहे हैं प्रभु जी आप? हाँ तो प्रभु, शायद ये मेरा आखिरी सफर है आज। इंग्लिश का सफर या हिंदी का सफर? ये उर्दू का है। उर्दू में सफर है ही नहीं, सफर इंग्लिश है। नहीं एक्चुअली सफर नहीं, उर्दू वर्ड सफर। सो आज हम लोग आए हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे प्रभु जी? कांदीवली जा रहे। कहाँ? अच्छा, वली। और किस किस के पास जा रहे हैं? एक सीरियल का एक्टर है। अच्छा, उनके घर पे कुछ पूजा है। क्या पूजा? ग्रह पूजा, विवाह पूजा, बर्थडे पूजा? वैष्णव सेवा है। वैष्णव सेवा प्रभु जी? वैष्णव सेवा करना है उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसलिए वैष्णव लोग जा रहे हैं पीछे? तो वैष्णव वैष्णव नहीं, इधर तो वैष्णव। सो हाँ, हम जा रहे हैं अभी कांदीवली। एंड प्रभु जी बोल रहे दुदान को, ये प्रॉब्ली उनका लास्ट सफर है हमारे साथ। क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? शायद मेरा अभी प्रमोशन होने वाला है प्रभु जी। प्रमोशन? चलो तो पार्टी तो बनता है प्रभु जी। जरूर जरूर, जाने से पहले तो हम जरूर करेंगे। सोलफुल मील से पिज्जा बनाएंगे। स्पेशल होगा वहां तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं, ऐसे किया था ना हमने शुरुआत में, सोयाबीन पनीर कर सकते हैं। खर्चा मैं करूंगा, बाकी सब आप बोले तो स्वीट भी बना लेंगे, खीर हलवा जो बोले। प्रधान प्रभु जी है, पंकज प्रभु जी है। उस लास्ट टाइम प्रधान प्रभु जी नहीं गए थे। इस बार लेके चलते हैं। चलो इस बार तो चलना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं मेरा पहले डेट फिक्स हो जाने दो। चलिए फिर चलते हैं। डेट मैं खाली करने वाला हूँ, उससे एक दिन पहले। एक्चुअली लाला की मम्मी बुलाई है मुझे, तो चलिए चलते चलते हम देखते हैं किस सेरेमनी के लिए जाने वाले। मेरे लिए भी सरप्राइज है। और जब मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी बाहर के ब्लॉग शुरू करता हूँ कि बाहर जा रहे तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। गोपाल घर पे भूल गया हूँ, और प्रभु जी लोग ने बोला 1:30, लेकिन बजे हैं अभी 2। प्रभु जी खुद ही मीटिंग में बिजी थे जब हमने फोन किया था। प्रभु जी धोती पहन रहे थे। वो तो मैंने आप लोग को ऐसे बोला ताकि आप लोग धीरे आए। अच्छा। चेक करने के लिए। बट ठीक है, गाड़ी यहाँ वेट कर रहे हैं और आप बोल रहे धीरे आने। मेरे सामने सामने सिग्नल से आया, बट ठीक है चलो। लेट्स गो। मुझे चैंटिंग करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। प्रसाद कैसा था? और प्रसाद में बहुत अच्छा है, मैं पहले भी खा चुका हूँ। कीर्तन भी अच्छा था ना? कीर्तन तो महान था, बहुत अच्छा। ऐसा भक्त तो कैसे? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। मेरा नाम विकास प्रसाद सोमानी है। प्रभु जी महाभारत में रोल किए हैं, वो बीआर चोपड़ा का जो। हाँ, मैंने एकलव्य का रोल किया था, अंगूठा दान दिया था द्रोणाचार्य को। लेकिन अभी तो है आपका वो मिट्टी का ऊपर से लगाया था। वेल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, पहली बार नहीं था लेकिन इंग्लिश में बोल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पहली बार होता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं। एवरी एक्सपीरियंस इज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। ओके, दिस इज नॉट माय फर्स्ट टाइम, बट एवरी टाइम आई पार्टिसिपेट इट फील्स लाइक फर्स्ट टाइम। ओके, व्हाट अबाउट कीर्तन? इट वाज वेरी एक्सीलेंट। अबाउट डिवोटीज? वेल दे आर द बेस्ट। पंकज प्रभु जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो प्रसादम काफी ले चुका हूँ वैसे। अभी आवाज नहीं निकल रहा। हाँ बोलिए प्रभु जी, कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं जो फर्स्ट टाइम जो है गुरु गौर प्रभु के साथ कीर्तन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहली बार फर्स्ट टाइम? वैसे तो मंदिर में बहुत बार सुना है लेकिन पहली बार मैंने ऐसे मतलब हाउस प्रोग्राम के थ्रू मैंने इनका कीर्तन सुना, बहुत आनंद आया। इवन सभी को मजा आया। थैंक यू। टू मोर कीर्तन प्रोग्राम्स टू कम। तो हम
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी जो है ऐसे प्रोग्राम करते रहें, और इससे क्या है कि लोगों को और रुचि आएगा हरि नाम में, क्योंकि इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर लोगों में रुचि जगाते हैं, तो ये और ऐसे प्रोग्राम करें। ओके, थैंक यू हरि बोल। बोलिए प्रभु। ये इनका विनम्रता देख करके तो मेरा हृदय पिघल जाता है। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा कीर्तन आज सब लोग गए, बहुत सुंदर प्रसाद, और इसी तरह ये कार्यक्रम चलते रहे, इसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु के हरि नाम का प्रचार बढ़ सके और लोगों तक, जगह जगह तक, गली गली तक, सब जगह भगवान के नाम का प्रचार। हरे कृष्णा। सो नाउ इट्स माय टर्न। बताइए प्रभु जी आपका जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हिज ग्रेस तो नहीं, पंकज प्रोजेक्ट को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सडनली कल बोले कि प्रभु जी के घर पे जा रहे हैं। मैंने बोला किनके घर पे? तो बोले वो प्रभु जी आते हैं ना शूटिंग करने के लिए, कुछ प्रभु जी। मैं बोला ओह अच्छा है। तो मैं तैयार नहीं था क्योंकि मेरा भी सेवा था इसमें। तो हम लोग तैयार हुए, कल प्लानिंग किए और आज हम लोग सब निकल के आए। तो यहाँ थैंक यू आने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी को, पंकज प्रभु को धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अटेंड किया। थैंक यू। और यहाँ पे आने के बाद भक्तों का जो संग मिला वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और राजभोग महाप्रसाद खाने के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा, और कीर्तन अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लोकेशन मेरे को यहाँ पे जगह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सीनिक व्यू है, ऐसे लगता है लेपर्ड जा सकते बाहर, शांति जगह है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस आज का, कीर्तन प्रसाद भक्तों का संग ये सब के सब अच्छा था। थैंक यू सो मच वो बुलाने के लिए प्रभु जी, पंकज प्रभु जी, और उस प्रभु जी को धन्यवाद बोलते हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अपने घर में, बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे इस घर में एंट्री किया ना, हमारा पर्सनल हरे कृष्णा चैनल टीवी पे चल रहा था। जय हो। ओ मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट के जैसा लगा, मुझे सरप्राइज लगा कि अरे हरे कृष्णा टीवी चैनल यहाँ पर चल रहे। जो मैं अपने जितने भी हरे कृष्णा टीवी चैनल का जो टीम मेंबर है, मैं सबको बोलूँगा कि मैं आज एक अपने फ्रेंड के घर पर गया था, वहाँ पर हरे कृष्णा टीवी चैनल चल रहा था, और वो लोग बहुत खुश थे। आप लोग सब खुश हैं माता जी? डेली चलता है, डेली। तो इनको हरे कृष्णा टीवी का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वैष्णव से आप प्रभु की जय। जय हो माता जी। आप भी आपका एक्सपीरियंस एक मिनट में बता सकते हैं, वॉट एवर यूर कम्फर्टेबल। हरे कृष्णा। मेरा नाम है भाव्या खत्री। आज हमने यहाँ पे ये संकीर्तन किया। हमने क्या किया, मतलब अपने आप हुआ, प्रभु की मर्जी थी इसलिए हुआ, और इतने अच्छे भक्तजन आए, उन्होंने इतना प्यारा संकीर्तन किया, इतना अच्छा लगा, मतलब मैं शब्दों में तो बता नहीं सकती, कुछ भी अमेजिंग। और फिर हम सब ने मिलकर बहुत अमेजिंग प्रसादम लिया, और प्रभु जी ने बहुत सारा लेक्चर भी दिया, तो सत्संग भी हुआ, बहुत सारी नॉलेज मिली। तो आई होप आप लोग भी एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें, और सबको आई थिंक ये करवाते रहना चाहिए। आई थिंक मंथ में एक बार तो ऐसा होना चाहिए। हरी बोल। मंथ में एक बार तो पंकज प्रभु मंथ में एक बार समझ लीजिए, इधर हो जाएगा। ठीक है ना माता जी, कन्फर्म लग रहा है। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली कीर्तन, इतनी अलग अलग ट्यून्स में अलग अलग लोगों ने कीर्तन किया, अलग अलग। प्रभु जी खुद एक गिटारिस्ट है, अलग अलग प्रसाद भी, हारमोनियम, करताल, मृदंग, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, सबने साथ में भगवान का नाम लिया। इट वॉज वेरी डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, मतलब बहुत अच्छा था, डिवाइन था एकदम। और स्पेशली द प्रसाद, मतलब कहते ना भगवान के घर में कमी कभी नहीं होती, प्रसाद इतना बच गया है। इतनी वेराइटीज थी सब्जियों की, कम से कम 10 वेराइटीज, स्वीट्स की कम से कम 7-8 वेराइटीज, राइस, दाल, सो मच। वेरी हैप्पी टू हैव इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग सभी का धन्यवाद। आपका अरे हाँ, मैं हाँ, हमारे मेन होस्ट, आर मेन होस्ट फॉर टुडे आ रहे हैं हमारे लिए कुछ गाड़ी का, शायद एसोसिएशन, यस कुछ प्रभु आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, पहले आप सबका शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पर आए इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी, और हम लोगों ने इस घर में अपनी शुरुआत करी है भी, सबसे पहले संकीर्तन के साथ शुरुआत हुई है, तो अच्छा है, काफ़ी कुछ जानने को मिला आज। पहली मेरा तो पहला संकीर्तन है, मंदिर के साथ जुड़ा हुआ काफ़ी समय से, लेकिन संकीर्तन पहला है मेरा, तो काफ़ी बातें जो बताई गई हैं वो उतरी है अंदर, उस पर अमल करने के लिए। प्रसाद प्रसाद तो बहुत सालों से उतर रहा है अंदर, और भक्तों का संग,
भक्तों का संग जो है वो हमारी अपनी विल पावर से ज़्यादा स्ट्रांग भक्तों का संग होता है, क्योंकि हम कभी कभी खुद जगमगा जाते हैं, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम जुड़े हैं, अब देखिए सबकी अपनी अपनी जर्नी है, धीरे धीरे सब लोग इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो हमारा भी उद्धार ही होगा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, भाई That is actually true. एक्सपेक्ट करते हैं और भी ऑर्डर किया आपको महीने में एक बार करने ऐसे थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। हरे कृष्णा।